नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। प्रशासन द्वारा पीओपी की मूर्तियों को पाबंदी लगाने के बाद भी मूर्तिकार पीओपी की मूर्तियों की दढ़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। गणेशोत्सव के दौरान बड़े पैमाने पर पीओपी की मूर्तियां बाजार में आ रही है। पाबंदी होने वाले पीओपी मूर्ति के बिक्री के संदर्भ में नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में कार्रवाई की जा रही है। महापौर दयाशंकर तिवारी के आदेश अनुसार एवं आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी किए गए निर्देश के तहत बुधवार को शहर के 10 जोन में मनपा के एनडीए दल ने कार्रवाई करते हुए करीब 185 पीओपी की मूर्तियां बरामद की है। इस कार्रवाई के तहत दल ने मूर्ति विक्रेताओं से कुल 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। पीओपी मूर्ति के संदर्भ में शुरू की गई कार्रवाई में एनडीएस के दल ने शहर में लक्ष्मी नगर, धर्मपेठ, हनुमान नगर, धनतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, लकड़गंज, आसी नगर और मंगलवारी जोन के तहत कुल 250 दुकानों की जाँच की। इसमें 185 पीओपी की गणेश मूर्तियां बरामद की गयी। सबसे ज्यादा जुर्माना गांधीबाग जोन के तहत वसूल किया गया है। गांधीबाग जोन अंतर्गत 44 दुकानों की जांच कर 35 पीओपी की मूर्तियां जब्त की गई। राकापा नगर अध्यक्ष एवं मनपा गठनेता दुनेश्वर पेठे के निर्देशानुसार गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल एवं सतरंजीपुरा जोन के संयुक्त आयुक्त घनश्याम पंधरे को डेंगू के प्रकोप को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर इस समय डेंगू का प्रकोप झेल रहा है। निगम के ढूल मूल प्रबंधन के कारण बचाव की कोई तैयारी नहीं हो रही है और निगम के अक्षमता के कारण दिन ब दिन शहर के लोगों पर डेंगू हावी हो रहा है। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन के लिए यह जरूरी है कि वह जोन के मुताबिक योजना तैयार करे ताकि डेंगू पर नियंत्रण किया जा सके। मध्य नागपुर के गांधीबाग और सतरंजीपुरा जोन में कर्नल बाग, रामाजी की वाड़ी, सरस्वती स्कूल का निकटवर्ती परिसर, काशीबाई देवल, गंजीपेट काजीपुरा, शौकत अली चौक, मोहम्मद अली चौक, लोहारपुरा, शब्बानी क्लब, लोधीपुरा, चंद्रकोल बिल्डिंग, हंसापुरी, गांजा खेत, नाल साहेब चौक, टिमकी, मोमिनपुरा, सैफी नगर, किदवई रोड, मुस्लिम ग्राउंड, हैदरी रोड, तकिया महबूब शाह, जामा मस्जिद के पीछे डोबी बोरियापुरा, ताकिया मासूम शाह महल, भूतिया दरवाजा, पुरानी मंगलवारी, तुलसी बाग, भारत माता चौक कॉम्प्लेक्स, बंगाली पंजा कॉम्प्लेक्स, लेंडी तालाब तथा अन्य इलाकों में डेंगू ने भयानक स्थिति पैदा कर दी है। शहर के नागरिकों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका प्रशासन की है। मनपा की ऑनलाइन आम बैठक में इन योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि एवं आवश्यक अनुवर्तन निधि का समुचित नियोजन एवं अंतिम घटक तक इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। पार्षद एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा के बाद महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिए। पार्षद एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने सभागृह में सवाल उठाया कि नागपुर महानगर पालिका द्वारा NUHM और NULM जैसी अन्य राष्ट्रीय और राज्य की योजनाओं को क्या लागू किया जा रहा है। नगर सेवक विजय पिंटू झलके ने पूछा कि 2008 से 2021 तक केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में मनपा को कितनी धनराशि उपलब्ध हुई थी। एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने सुझाव दिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं पात्र हितग्राहियों के लाभ हेतु निगम में विशेष समितियों के समान एक समिति होनी चाहिए, जिस पर गौर करते हुए महापौर ने अधिकारियों को समिति का गठन करने का निर्देश दिया। सरकारी डागा अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से प्रतीक्षा हॉल में ही गर्भवती महिला रानी वासनिक को प्रसूति हुई और उसके शिशु की मौत हो गई थी। इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव अर्चना डेहनकर व महिला मोर्चा की शहर अध्यक्षा नीता ठाकरे के नेतृत्व में प्रदेश स्वास्थ्य उप संचालक संजय जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि कामठी जिला अस्पताल व डागा अस्पताल के संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया जाए।
नागपुर में तीसरी लहर की शुरुआत और शाम 4 बजे तक दुकानों के समय को सीमित करने के संभावित प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप शहर के व्यापारियों के कई ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं और बाजार में व्यापारियों के भुगतान को भी रोक दिया गया है। जिस तरह विदर्भ और देश में सरकार की गलत नीतियों की बदौलत सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है, इसी तरह अब विदर्भ के व्यापारियों पर भी आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। इसी तरह यदि व्यापारी विरोधी निर्णय लिए गए तो जल्द ही विदर्भ व्यापारियों की आत्महत्या के लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगी। नागपुर जिले में नोवल कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारा घोषित प्रस्तावित लॉकडाउन के बाद व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए NVCC अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया, सचिव रामावतार तोतला और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की अध्यक्षता में एक पत्रकार सम्मेलन बुलाई गई। कोविड संक्रमण की रफ्तार वर्तमान में नियंत्रित है। द्वितीय राजधानी नागपुर में कल केवल 18 सकारात्मक मामले पाए गए, जिनमें से 11 तो केवल एक संस्थान के डॉक्टर थे। सभी जगहों से मामले सामने आ रहे हैं, यह तथ्य गलत है। रेशमबाग श्री संत गजानन महाराज चौक पर युवारंग प्रतिष्ठान एकवीरा शारदोत्सव मंडल व समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार की अंगीकृत शाखा महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक अनोखे तरीके से तान्हा पोला का आयोजन किया। कोविड-19 के नियमों का पालन करके रेशमबाग परिसर के बच्चों के घर घर जाकर कार्यकर्ताओं द्वारा बैलों की पूजा की, भेंट वस्तु प्रदान की गई। सभी बाल गोपाल ने विभिन्न आकर्षक वेशभूषा धारण करके इस अनोखे तान्हा पोले में सहभाग लिया। इस प्रतियोगिता में विशेष योगदान डॉक्टर राजीव त्रिवेदी, गिरीश वराड पांडे, पुष्पा कमलबज, महावीर यूथ क्लब के अध्यक्ष दिनेश सावलकर जैन, केंद्रीय सचिव प्रशांत मानेकर जैन, संजय काले, राजू कुर्जेकर ने दिया। प्रतियोगिता का आयोजन महावीर यूथ क्लब दक्षिण नागपुर के सचिव गौरव शाहकार, डॉक्टर श्रीरंग वराट पांडे और सह आयोजन डॉक्टर पराग दांडेकर, प्रदीप शेंडे, धर्मेंद्र खमेले, संजय त्रिवेदी, सपना चौधरी, वंदना गुल्हाने आदि ने किया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए महावीर यूथ क्लब पूर्व नागपुर के अध्यक्ष प्रतीप तूपकर जैन, मंगेश बिबे, मनुकांत गडेकर, डॉक्टर योगेश इंगोले ने प्रयास किए। कार्यक्रम का संचालन गौरव शाहकार ने किया व आभार प्रदर्शन डॉक्टर श्रीरंग वराड पांडे ने किया। सितंबर हिंदी माह के अवसर पर मंडल कार्यालय नागपुर द्वारा आशीष चतुर्वेदी मंडल प्रमुख नागपुर की अध्यक्षता में नागपुर मंडल की बाहरी शाखाओं के शाखा प्रमुखों के लिए बैंक व्यवसाय विकास पर बैंकिंग व्यवसाय हिंदी में बैंकिंग कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर आशीष चतुर्वेदी मंडल प्रमुख नागपुर ने अपने संबोधन में सभी को हिंदी माह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैंकिंग व्यवसाय आम आदमी तक पहुँचाने का प्रभावी एवं सशक्त माध्यम आम आदमी की भाषा है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर स्थानीय भाषा मराठी और हिंदी का ही प्रयोग करें। इस अवसर पर राजीव कुमार, सदस्य सचिव बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर एवं मुख्य प्रबंधक राजभाषा बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के साथ ही राजभाषा कार्यान्वयन पर विशेष सत्र लिया गया। उन्होंने सत्र के आरंभ में ही बताया कि बैंकिंग व्यवसाय के विकास और बढ़ोतरी में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की बहुत अहम भूमिका रही है। इस अवसर पर मार्केटिंग, वसूली, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट बैंकिंग सहित बैंकिंग की कई अन्य पहलुओं पर विस्तृत जानकारी अद्यतन की गई। इस वर्ष PNB को भारत सरकार का सर्वोच्च कीर्ति पुरस्कार प्रथम स्थान घोषित हुआ है। श्री संत गमाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व मंत्री तथा संस्थान के अध्यक्ष रमेश चंद्र बंग, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग, संचालक महेश बंग ने संत रामाजी, संत गमाजी महाराज शिक्षण संस्था हिंगना में श्री संत गमाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर देवकी बाई बंग हाईस्कूल व जूनियर कॉलेज के प्राचार्य नितिन तुपेकर, नेहरू विद्यालय के प्राचार्य शशिकांत मोहिते, संस्था के शिक्षक व कर्मचारी गण उपस्थित थे। यात्री सामानों की चोरी के बढ़ती घटनाओं के रोकथाम हेतु पंकज चुग, मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल नागपुर के मार्गदर्शन में गठित टास्क टीम ने उपनिरीक्षक CKP टेंबुर्निकर एवं बल सदस्यों के साथ समय करीब 20 बजे गाड़ी संख्या 02833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस में गोंदिया से दुर्ग तक गुप्त निगरानी में थे। इस दौरान एक व्यक्ति कोच नंबर AC3 के बर्थ क्रमांक 8 से एक यात्री का बैग चोरी कर AC2 कोच के दरवाजे से
प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ चलती गाड़ी में कूदकर भागने के दौरान टास्क टीम प्रभारी उपनिरीक्षक टेम्बुर्निकर एवं बल सदस्य द्वारा उसे पकड़ने की कोशिश किया गया, किंतु गाड़ी की रफ्तार तेज होने पर उक्त व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका। तदउपरांत त्वरित इसकी सूचना रेलवे स्टेशन गोंदिया प्लेटफॉर्म पर तैनात उपनिरीक्षक एम मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया को दिया तथा बताए हुलिया के आधार पर उपनिरीक्षक एवं बल सदस्यों द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को PFN5 में रोककर नाम व पता पूछने पर अपना नाम विपिन सिंह 27 साल निवासी उत्तर दिल्ली बताया और उसके पास से बैग में रखा पावर बैंक कपड़े एवं दस्तावेज कुल कीमत 5,700 रुपए का सामान मिला। मामले की जांच शुरू है। हिंगना तालुका के खापरी मोरेश्वर और खैरी खुर्द के सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए राकापा में शामिल हो गए। जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पक्ष प्रवेश करने वालों का भव्य स्वागत किया। आने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भावना व्यक्त की कि हम गांव में विभिन्न समस्याओं को हल करने और गांव के विकास के लिए राकापा में शामिल हुए हैं तथा NCP की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नए कार्यकर्ताओं में ग्राम पंचायत सदस्य ज्योति कांबले, फूलनबाई वानखेड़े, माला नेवारे, कमला भंडारे, संध्या उइके, छाया आलम, छाया इंगोले, शकुंतला मसराम, बहिनाबाई शेडमाके, चंद्रकला उइके, स्वप्निल कुंभारे, शिवम सावरकर, पंकज बुराडे, तुषार सावरकर, चूड़ामन येसकर, अतुल सावरकर, प्रशांत शेंडे आदि का समावेश है। प्रशांत शेंडे को युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिंगना तालुका उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, जिला परिषद सदस्य दिनेश बंग, राकापा युवा कांग्रेस तालुका अध्यक्ष आशीष पुंड, राकापा महिला तालुका अध्यक्ष सुरेखा फूलकर, PS सदस्य सुनील बोंदाड़े, राजेंद्र उइके, शहर अध्यक्ष प्रेम सावरकर, उपरपंच नरेश नरड़, प्रमोद फूलकर आदि उपस्थित थे। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति संयोजक दीपेन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का एक समूह नागपुर की जिलाधिकारी R. विमला की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुआ। शुरुआत में अग्रवाल ने कोविड पॉजिटिव मामलों की दैनिक सकारात्मकता दर में मामूली वृद्धि के प्रति स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और नए मामलों में और वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शित संकल्प की सराहना करते हुए बताया कि हाल ही में पालक मंत्री द्वारा दिया गया बयान नागरिकों को कोविड के उचित व्यवहार का अभ्यास करने के लिए चेतावनी देने के लिए लक्षित किया गया, लेकिन बयान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तुलना में अधिक अराजकता पैदा की। अग्रवाल ने जिलाधिकारी का ध्यान 4 जून 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसमें संबंधित जिले के लिए साप्ताहिक सकारात्मकता दर और ऑक्सीजन बेड की अधिभोग दर के आधार पर पूरे राज्य को 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 3 दिनों के आंकड़ों के अनुसार नागपुर जिले की साप्ताहिक सकारात्मकता दर 0.21% है और स्थिति चिंताजनक नहीं है। पिछले 2 दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या कम है, लेकिन जिला प्रशासन ने तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर एक अहम बैठक हुई। पुलिस विभाग को बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर R. विमला ने ये दोनों बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने उन्हें सभी दलों के प्रतिनिधि मंडलों के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार हर जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रही है, इसीलिए इस संबंध में कुछ संयुक्त निर्णय होने की संभावना है, किंतु यह तय है कि अचानक किसी घटक के साथ अन्याय नहीं होगा। हालांकि जिला कलेक्टर ने व्यापारियों और दुकानदारों से इस संबंध में जिला और मनपा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। प्रशासन की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध इस संबंध में वरिष्ठ स्तर से आने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।
शिक्षक संघ की मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षक आघाड़ी की ओर से संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक आघाड़ी की प्रदेश संयोजिका कल्पना पांडे, नागो गानार, पूर्व विधायक अनिल सोले ने राज्य सरकार को भेजे ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों व शिक्षा कर्मचारियों की लंबित मांगे पूर्ण करने की मांग की, जिनमें शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन करने, वरिष्ठ एवं चयन वर्ग के लिए प्रशिक्षण तिथियों की तत्काल घोषणा करने, आंशिक अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अध्यापन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता 1 नवंबर 2005 से पहले तत्काल खोलने, एक तिथि को वेतन का तत्काल भुगतान एवं भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का तत्काल भुगतान करने, सातवें वेतन आयोग के अनुसार परिवीक्षाधीन सहायक शिक्षकों और परिवीक्षाधीन शिक्षक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने सहित कई अन्य मांगों का समावेश है। यदि मांगे न पूरी हुई तो आंदोलन और भी तीव्र होने की संभावना जताई जा रही है। सीताबर्डी पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान एक दुपहिया चोर को पकड़ा है। दरअसल दुपहिया का पेट्रोल खत्म होने के कारण यह चोर गाड़ी को खींच कर ले जा रहा था और गाड़ी की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ नजर आने के बाद जब पुलिस ने उसे रुकवा कर पूछताछ की तो यह गाड़ी चोरी की निकली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए चोर का नाम कमलेश गजानन डोंगरे, 22, सिंहपुर थाना मोहगांव तहसील सौसर छिंदवाड़ा का निवासी है। आरोपी नागपुर शहर में काम धंधे की तलाश में करीब 1 महीने पहले आया था। शहर में पिछले 1 महीने से पैदल घूमकर उसने काम की तलाश की थी, बावजूद इसके उसे कोई भी काम नहीं मिल पाया। उसे पैदल घूमकर काम की तलाश करने जाना पड़ता था और इसके उपाय के लिए उसने सीताबर्डी मेन बाजार परिसर की एक गली से फरियादी चंद्रप्रकाश अग्रवाल की पल्सर गाड़ी क्रमांक MH31AR8695 को चुरा लिया था। दरअसल चंद्रप्रकाश अग्रवाल की सीताबर्डी मेन बाजार में दुकान है और उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीताबर्डी पुलिस को आखिरकार चोर तक पहुंचने में कामयाबी मिली। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को उपजिला प्रमुख नगर सेवक ज्ञानेश्वर नाना महादेवराव झोड़े ने मांग की कि डेंगू के विषाणु पर कीटक नाशक ड्रोन द्वारा फवारनी करे। नागपुर महानगर पालिका सीमा अंतर्गत शहर में नए लेआउट्स के निर्माण किए जाने से उस जगह पर ड्रेनेज सीवर लाइन ना होने के कारण खाली जगह पर पानी जमा होकर शहर में कहीं पुरानी और दाट बस्ती में डेंगू की फवारनी करवाने में अधिकारी कर्मचारियों को काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ड्रोन द्वारा डेंगू नाशक फवारनी की मांग की है। शिवसेना जय महाराष्ट्र जनरल व राष्ट्रीय माथाड़ी कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप राय के आदेशानुसार और प्रकाश जाधव व नागपुर जिला अध्यक्ष विनोद कल्याणी के नेतृत्व में जिला अधिकारी आर विमला व ट्रैफिक उपायुक्त को ओला टैक्सी कंपनी के खिलाफ और ओला कंपनी के ड्राइवर को कामगार आयुक्त में रजिस्ट्रेशन कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह ड्राइवर नियम की धज्जियां उड़ाते हैं। प्रतिनिधिमंडल में भाग्यश्री सहजारे, स्नेहल मेश्राम, कमलेश सौदागर, अनिकेत इंगले, गौरव कोंडेवार, सुमित लिल्हारे, हीना वागमारे, आशु भाई, शुभम बारई, धीरज खापेकर, निरंजन भाई और सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। किंग्सवे अस्पताल में म्यूकर सर्वाइवर्स मीट का आयोजन किया गया। बैठक में परिवार के सदस्यों के साथ लगभग 50 मरीजों ने भाग लिया। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर आशीष चंद्र ने मरीजों से नवीनतम तकनीक के साथ साथ अस्पताल में उपलब्ध सभी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। MD डॉक्टर प्रकाश खेतान ने ब्लैक फंगस के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इतने सारे मरीजों को हम हमारी टीम के साझा प्रयासों से बचा पाए। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुशील गावंडे ने सभी रोगियों को उन सभी मनोवैज्ञानिक आघातों के बारे में परामर्श दिया जिनसे वे गुजर रहे थे। राहुल अटारा ने कहा कि हमने ब्लैक फंगस के रोगियों के लिए ऑब्ट्यूरेटर और डेंचर के साथ इंटरिम ओरल रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया है। जल्द ही हम प्रत्यारोपण के साथ परमानेंट फिक्स्ड रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुभा राठी ने संगीतमय हाउजी और अन्य खेलों द्वारा उपस्थितों का मनोरंजन किया। मरीजों ने कोविड से ब्लैक फंगस के इलाज तक अपनी पूरी यात्रा
किंग्सवे में उनके रहने, उनकी देखभाल करने वाली टीम, डॉक्टरों, कर्मचारियों, नर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ आदि के बारे में अपने अनुभव साझा किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र ने 7 और 8 सितंबर 2021 को वनामती प्रशिक्षण केंद्र नागपुर में ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए समस्त जिला MSCIS कोऑर्डिनेटर और इवेंट मैनेजर को बुलाया गया। महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सार्वजनिक और व्यक्तिगत कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के माध्यम से स्थायी संपत्ति बनाकर सभी सामान्य मजदूरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया जाता है। चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी ऑनलाइन की जा रही है, MIS प्रणाली का विशेष महत्व है। तदनुसार क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हुए जिला MIS समन्वयकों और कार्यक्रम प्रतिबंधकों को उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं और सुझावों से अवगत कराने के साथ साथ योजना के कार्यान्वयन को उपयोगी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभान्वित करने के लिए राज्य के सभी जिला MIS समन्वयकों एवं कार्यक्रम प्रबंधकों के दिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत तरीके से मार्गदर्शन किया गया और क्षमता निर्माण किया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते तान्हा पोला पर कार्यक्रम न आयोजित करने के निर्देश जारी किए थे, अतः तान्हा पोला को सिर्फ ऑनलाइन मनाया जाने की भविष्यवाणी की जा रही थी। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना नागपुर जिला अध्यक्ष दिनेश इल्मे के नेतृत्व में इस भविष्यवाणी का खंडन किया गया। इस समय दिनेश इल्मे ने छोटे बच्चों को किताबें और पेन बांटी। क्षेत्र के नागरिकों में अपार हर्षोल्लास का वातावरण बना। बच्चों ने तान्हा पोला के आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। किताबें, पेन, गुलदस्ते, अन्य शैक्षिक सामग्री और चॉकलेट मिलने के बाद बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। तान्हा पोला में क्षेत्र के वयस्क नागरिकों ने भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में मनोज काहलकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना उत्तर नागपुर अध्यक्ष अश्वजीत गाजबीए, उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष रविन्द्र शर्मा, राकेश बनवारी, देवेंद्र उइके, रजत दुबे आदि पदाधिकारियों का सहयोग रहा। स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों में कर्मचारियों की बढ़ती जागरूकता और भागीदारी के क्रम में डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन नागपुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के अवसर पर नागपुर डिविजनल के कर्मचारियों के प्रयासों को मान्यता देते हुए एक समारोह में प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सम्मानित कर्मचारियों में के धूलिया, DSTI रोहित थावरे, सीनियर DEN सेंट्रल संध्या गनवीर, कार्यालय अधीक्षक क्यू अली, वाणिज्यिक लिपिक कल्पना सहाने, जूनियर क्लर्क विजय लक्ष्मी नायडू प्यून, पवन देशमुख, सहायक लोको पायलट गगनदीप सिंह, HD टिकट परीक्षक अमित पौनिकर, वरिष्ठ टिकट परीक्षक आदि का समावेश है। मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे ने इस अवसर पर इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कृष्णनाथ पाटिल सीनियर DCM मंडल खेल अधिकारी एवं DSA के अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।